जय हिंद। आज 26 सेप्टेम्बर 2021 संडे स्टेट रे अनुष्ठित होइतिबा लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर एग्जाम बा LSI एग्जाम रो समस्त 130 क्वेश्चन रो आंसर गुड़ी को वर्तमान आम डिस्कशन करिबा। मो पाखरे वर्तमान जो सेट टी रही है सेट सी। वर्तमान सेट सी रो समस्त आंसर गुड़ी को आपण मानक डिस्कशन करी तापर मुक आसबी यार डेस्क्रिप्शन सहित तार आंसर गुड़ी वर्तमान केवल 130 क्वेश्चन रो आंसर गुड़ी आपण मानक यापर मुझार डेस्क्रिप्शन सहित मैथ रो एवं अन्यान्य फिजिक्स केमिस्ट्री समस्त डेस्क्रिप्शन सहित आपण मानक आंसर गुड़ी कहीदेवी। वर्तमान देखंतु मैथमेटिक्स रो एक नंबर क्वेश्चन होउची जदि गोटे गोलकर व्यासार्ध को द्विगुण करा जाए तेबे यार पृष्ठतल क्षेत्रफल केते वृद्धि घटिबो यार आंसर होउची 300%। एबे देखंतु क्वेश्चन नंबर 2 रो सठिक आंसर होउची ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 हेले रूट क्यूब रूट ऑफ -729 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 441 यार सठिक आंसर होउची ऑप्शन सी -189। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 रो सठिक आंसर होउची ऑप्शन बी 56। आपण क्वेश्चन सहित आपण निज सेट रो क्वेश्चन गुड़ी को मेले नियंतु मु केवल आपण मानक सठिक आंसर गुड़ी को कहीदे। एबे देखंतु क्वेश्चन नंबर 4 रोची दुईट संख्यार अंतरफल बड़ संख्यार शतकड़ा 25 अटे तेब सान संख्याटी 30 हेले बड़ संख्याटी केते यार सठिक आंसर है बी ऑप्शन बी रही 40 तो 40 है सठिक आंसर। तापर देखंतु पाँच नंबर क्वेश्चन सठिक आंसर है ऑप्शन डी 0.000961 यार सठिक आंसर। तापर देखंतु छः नंबर क्वेश्चन है दुईट क्रमगत संख्यार वर्गर अंतर 25 अटे तेब संख्या द्वय केते गोटे 12 आ गोटे 13 तेणु ऑप्शन बी होगा यार सठिक आंसर। तापर देखंतु 7 नंबर क्वेश्चन 32 एवं 48 लसागु गसागुर अनुपात केते हेबो यार सठिक आंसर है ऑप्शन ए 6:1। तापर 8 नंबर क्वेश्चन देखंतु 8 नंबर क्वेश्चन सठिक आंसर होगा ऑप्शन डी 3+2√2। तापर देखंतु 9 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर होगा ऑप्शन बी 1/0.2। यापर 10 नंबर क्वेश्चन देखंतु जदि प्रदत्त दुईट संख्या तृतीय संख्यार यथाक्रमे शतकड़ा 6 एवं शतकड़ा 24 हुए तेब प्रथम संख्याटी द्वितीय संख्यार शतकड़ा केते हेबो यार सठिक आंसर है ऑप्शन सी 25%। तापर 11 नंबर देखंतु 11 नंबर अच्छी 6 संख्यार हाराहारी 9 अटे जदि संख्या मानक मध्यरु प्रथम 5 संख्यार हाराहारी 8 तेबे षष्ठ संख्याटी केते हेबो यार सठिक आंसर है ऑप्शन डी 14 हेबो। तापर देखंतु 12 नंबर क्वेश्चन अच्छी 1050 टंका को ए बी सी मध्यरे 2, 5 और 8 अनुपात रे बांटी दिया गला सी एवं बी भागरे केते अंतर सी एवं बी रो भागर अंतर केते हेबो यार सठिक आंसर होउछ ऑप्शन सी रेस 210 रुपीज। तापर देखंतु 13 नंबर क्वेश्चन रे रहिछि ए एवं बी दुई जण अंशीदार भाव में गोटे व्यवसाय यथाक्रमे 15,000 टंका और 20,000 टंका पूंजी निवेश कले जदि वर्षर शेष में 14,000 टंका लाभ हुए तेबे ए और बी रो लाभांश केते हेबो सठिक आंसर है ऑप्शन ए 6,000 और 8,000। तापर देखंतु 14 नंबर क्वेश्चन जदि 24 अंडार क्रय मूल्य 20 अंडार विक्रय मूल्य सहित समान हुए तेबे एही किणा बिकारे शतकड़ा केते लाभ बा क्षति हेबो यार सठिक आंसर है ऑप्शन बी है यार सठिक आंसर 20% लाभ हेबो। 15 नंबर क्वेश्चन देखंतु ए एवं बी गोटे कार्य को 16 दिन में शेष करिपारंती जेतेबेले ए बी सी एही कार्य को 12 दिन में शेष करिपारंती तेबे सी एकाकी कार्य को केते दिन में शेष करिवे यार सठिक आंसर है ऑप्शन डी 48 दिन में। तापर देखंतु 16 नंबर क्वेश्चन दुईटी पानी नल गोटे टांकी को यथाक्रमे 10 घंटा और 15 घंटे पूर्ण करिपारंती जदि दुईटी पानी नल को एकाठी खोली दि जाए तेबे टांकीटी पूर्ण होबारे केते समय लागिवो यार सठिक आंसर है ऑप्शन सी 6 घंटा लागिवो। तापर देखंतु 17 नंबर क्वेश्चन एतर रही गोटे ट्रेन 2.5 घंटे 300 किलोमीटर और 5 घंटे 450 किलोमीटर अतिक्रम करे ट्रेन टी हाराहारी बेग केते हेबो यार सठिक आंसर है ऑप्शन सी 100 किलोमीटर/आवर। तापर देखंतु 18 नंबर क्वेश्चन जड़े नावरी झरणा स्रोत रे प्रतिकूल रे 30 मिनिट्रे 3 किलोमीटर आहुला मारी पारंती ओ 20 मिनिट्रे फेरी पारंती स्रोतर बेग केते हेबो यार सठिक आंसर है ऑप्शन डी। मुझे आपण केवल मैथ रो आंसर गुड़ा कहीदे कि एथर समस्त मैथमेटिक्स सहित अन्य सब्जेक्ट गुड़िकर
କେମିତିକା କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏକ କାର୍, ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଏକ ବସ୍ର ବେଗକୁ ଅନୁପାତ 5:2:3 ତାର ଅନୁପାତ ଦିଆହେଇଛି। କାର୍, ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍ର ଏକତ୍ର ଭାବରେ ହାରାହାରି ବେଗକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 60 କିଲୋମିଟର, କାର୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ରେ ଏକତ୍ର ଭାବେ ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ ହେବ? 19 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, 63 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 220 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର ଧାତୁର ଦସ୍ତା ଏବଂ ତମ୍ବାର ଅନୁପାତ 6:5, ସେଥିରେ ଆଉ କେତେ ଗ୍ରାମ ତମ୍ବା ମିଶାଗଲେ ମିଶ୍ର ଧାତୁର ଦସ୍ତା ଏବଂ ତମ୍ବାର ଅନୁପାତ 5:6 ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, 44। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋନାଲିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଅନୁପାତ 7:9 ଅଟେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସର ଅନୁପାତ 4:5 ହେବ, ସୋନାଲିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, 27। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ବାର୍ଷିକ ସରଳ ସୁଧ ଶତକଡ଼ା 7 ହାରରେ 1,500 ଟଙ୍କା କେତେ ସମୟରେ 1,815 ଟଙ୍କା ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଡି, 3 ବର୍ଷ ପରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ଶତକଡ଼ା 5 ହାରରେ 1,200 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଏବଂ ସରଳ ସୁଧର ଅନ୍ତର କେତେ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, 3 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିରିଜ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, 81। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 2 ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନଫଳ 96, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଫଳ 10 ଅଟେ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା 2ଟିର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, 22। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 26 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 30 ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଫଳ 6 ଅଟେ, ସଂଖ୍ୟା 2ଟିର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 3:2। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 27 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ 6 ପାଖରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିକି ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, 121। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 28 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା 24 ମିଟର ହୁଏ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 16√3 m². ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡି, 16√3 m² ହେଲା। 29 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ଆୟତକାର ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 18,000 ବର୍ଗ ମିଟର, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଅନୁପାତ 5:4, ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ କେତେ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, 150 ମିଟର ଆଉ 120 ମିଟର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମଘନାକର ପଦାର୍ଥକୁ କେତେ କୋଟି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ସମଘନାକର ପଦାର୍ଥରେ କଟାଯାଇପାରିବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, 64। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଥ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ 31 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହିଜ୍ ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ସଚ୍ ଦେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ରିଡ଼, ଏଇଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା'ର ତା ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇଲିଜିବୁଲ୍, ILLEGIBLE, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 32 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 32 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ରହିଛି ଦି ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରେସିମିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ, ପ୍ରେସିମିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରେସିମିଷ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଯେମାନଙ୍କର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଶା ନଥାଏ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସିମିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଲୁକ୍ସ ଏଟ୍ ଦି ଡାର୍କ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ, ଏହା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 33 ନମ୍ବର, 33 ନମ୍ବର ରହିଛି ଇଟ୍ ରେନ୍ସ କେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍, ତେଣୁ ଏଇ ଫ୍ରେଜ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ହେଭିଲି, ବହୁତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ବ୍ଲାକ୍ କବ୍ରା ଇଜ୍ ଏ ଡେଥ୍ ସ୍ନେକ୍, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଭେନମସ୍, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଗଲା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭେନମସ୍, ସ୍ପେଲିଂ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 35 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦି ପୋଲଟ୍ରି ଡେସ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଫେଡ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ହେଜ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 36 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 36 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବଟ୍ ପଚରାହେଇଛି, ବଟ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କନଜକ୍ସନ୍, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, କନଜକ୍ସନ୍। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରି ଡିଲ୍ସ ଡେସ୍ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦି ମାର୍କେଟ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଇନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 38 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 38 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦେ ହେଭ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ଦି ମିଟିଂ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ୱେଦର, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ପୁଟ୍ ଅଫ୍, ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଏହା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି କରେକ୍ଟ, ତେଣୁ ଏହାର ଗ୍ରାମାଟିକାଲି କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଦି ଗଙ୍ଗା ଗାଙ୍ଗିଜ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ହୋଲି ବାଇ ହିନ୍ଦୁଜ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 40 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 40 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦି ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଡେସ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍, ତ ୟୁରୋପିଆନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଲାଗିବ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର 41 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍,
निम्नलिखित वाक्य गुड़िक मध्य शुद्ध वाक्य बाछ यार शुद्ध वाक्यटी हो सबु कवि प्राकृतिक वर्णन सिद्धहस्त ऑप्शन सी हो सठिक आंसर। तापर देखु 42 नंबर क्वेश्चन अलणा कथा अलणा कथार अर्थ हो गले मूल्यहीन कथा ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। तापर देखु 43 नंबर क्वेश्चन पिलाटीर मिछ कथा जमापड़ बापा आगे से ड्रेस पत्र पर थरुची तेना यार सठिक आंसर ऑप्शन डी बरडा पत्र पर। तापर देखु 44 नंबर क्वेश्चन हलिला पाने गड़ न देवा लोकमाणी अर्थ कौन यार सठिक आंसर हो गंडगोल न पशिया गंडगोल न पशिया यार सठिक आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखु शुद्ध बनान शब्दी को बाछ यार शुद्ध बनान ऑप्शन बी अनुसंधान अनुसंधान स्पेलींग देखी दिखाँ अ दंतेन ह्रस्व होपर दंतेन अनु दंतेस दंतेन ध आकार दंतेन मैंने ऑप्शन बी हो सठिक आंसर। तापर देखु 46 नंबर क्वेश्चन हूँ तुहिमा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आंभे अटुसर्वे मैंने यह किए लिखी थे यह मधुसूदन राव लिखिं तेणु ऑप्शन ए हो सठिक आंसर। तापर देखु सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरीयस टू हेल्थ मैंने यार आपण मानक ओडिया अनुवाद कर यार सठिक आंसर हो धूमपान शरीर पक्षे क्षतिकारक धूम्र हेब ना यार आंसर हो धूमपान ऑप्शन सी हो यार सठिक आंसर। तापर देखु 48 नंबर क्वेश्चन सड़क दुर्घटना रोकवाई क्यों स्लोगान व्यवहार कराए ए जगह आपंकर दुईट जाक स्लोगान को व्यवहार कराए तेणु यार सठिक आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन सरी ऑप्शन सी हो यार सठिक आंसर ऑप्शन 48 नंबर ऑप्शन सी हो सठिक आंसर बोथ ए एंड बी। तापर देखु 49 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित क्यों वाक्यटी बृत्ति सूचक वाक्य अटे बिजु बाबू को ओडिशार समस्त जानते तेणु ऑप्शन ए हो यार सठिक आंसर। तापर देखु सीता रावण चरई नेबा रामचंद्र विषण हो इतस्तत अनुसरण कले ए जगह विषण स्पेलींगी भूल लिखाई यार सठिक स्पेलींग हे बरे हसई मुदनीस मूर्धन न यह तार सठिक आंसर तेणु ए जगह ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर विषण। यापर देखु 51 नंबर क्वेश्चन 51 अच्छी यह आपंकर जेनेल एवेरनेस टॉपिक बर्तमान यठार देखु किए भारत श्वेत विप्लवर जनक भाव परिचित यार सठिक आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर भर्गिज कुरियन यार सठिक आंसर डॉक्टर भर्गिज कुरियन ऑप्शन सी। तापर देखु 52 नंबर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन हूँ खाद्य शस्य संग्रह संपर्कित एम एस पी निम्नलिखित मधुर कहार संक्षेप मैंने यार फुल फॉर्म आपको पचार यार फुल फॉर्म हो ऑप्शन सी सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तापर देखु 53 नंबर रही डीपीटी ए जगह भी आपको तरह फुल फॉर्म देखा अच्छी से ऑप्शन बी डिप्थेरिया पर्चुसिस आउ टिटानस यह आपंकर सठिक आंसर ऑप्शन बी। यहाँ देखु हु एमंग दि फॉलोइंग वाज दि फास्ट ओडिया राइटर रिसीव ज्ञानपीठ एवार्ड तो यह जगह सठिक आंसर हो गोपीनाथ महांती ऑप्शन सी गोपीनाथ महांती। तापर देखु 55 नंबर क्वेश्चन केउटी ओडिशार उच्चतम गिरीशृंग अटे यार सठिक आंसर हो देवमाली ऑप्शन सी हो गला देवमाली सठिक आंसर। तापर देखु 56 नंबर क्वेश्चन बरहीपाणी जलप्रपात केउं राष्ट्रीय उद्यान बा वन्यप्राणी अभयारण्य अंतर्भुक्त ए जगह लिखाई कौन नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ हूँ सिमिलपाल अटे तेणु ए जगह सिमिलपाल हो तार सठिक आंसर ऑप्शन ए सिमिलपाल राष्ट्रीय उद्यान। तापर देखु 57 नंबर क्वेश्चन हूँ सुनामी इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यार सठिक आंसर गला ऑप्शन बी अर्थक्वेक। 58 नंबर क्वेश्चन देखु 58 नंबर क्वेश्चन है व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस यार सठिक आंसर हो बलांगीर हो गला यार सठिक आंसर ऑप्शन बी। तापर 59 नंबर देखु निम्नलिखित मध्य ओडिशार क्यों जिला क्षेत्रफल अनुसार सबुठ बड़ अटे आपको समस्त जना अच्छी ऑप्शन बी मयूरभंज अटे। तापर देखु 60 नंबर क्वेश्चन ओडिशार सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता किए अटंती तरह सठिक आंसर हो गला गोपबंधु दास ऑप्शन डी गोपबंधु दास। तापर देखु यापर देखु 61 नंबर क्वेश्चन नेशनल भोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट तो यार सठिक आंसर ऑप्शन बी 25 जनवरी 25 जनवरी दिन यह पालन कराए। तापर देखु व्हिच इंडियन ओलंपियंस बायो ऑटोबायोग्राफी इज अनब्रेकेबल यह किए लिखिंट यार सठिक आंसर ऑप्शन सी मेरी कॉम। तापर देखु 63 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी इमरजेंसी प्रोविजन्स आर कंटेंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यार सठिक आंसर ऑप्शन सी 3 रही। तापर देखु 64 नंबर क्वेश्चन निकटरे गुजरात क्यों सहर हरप्पा सभ्यतार प्राचीन सहर भाव में यूनेस्को विश्व इतिहास तालिका
তালিকার স্থান পাইছে বর্তমানে রিসেন্টলি কাহা স্থান দিয়েছে সে হল অপশন বি ঢলভীর যে লেখাইছে এ হল অপশন বি হল সঠিক আনসর তাপরে দেখুন 65 নম্বর কোশ্চেন দি ল্যান্ডমার্ক হুইচ ইজ সরাউন্ডেড বাই ওয়াটার ফ্রম থ্রি সাইড মানে যে স্থলভাগকে তিন ভাগে জলভাগ কভর করে রয়েছে তাহা হচ্ছে পেনিনসুলা বা উপদ্বীপ বলে তা কুহযায় ঠিক আছে 66 নম্বর কোশ্চেন দেখুন হুইচ ইজ দ্য কম্পোজর অফ ন্যাশনাল এনথেম জনগণমন ইয়ে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অপশন সি ইজ ওয়ার সঠিক আনসর তাপরে দেখুন 67 নম্বর কোশ্চেন নিম্নলিখিত মধ্যে কি রাজ্যপালকে তাঁর পদবীর বহিষ্কার করে পারে এ সঠিক আনসর হয়ে রাষ্ট্রপতি অপশন সি এপরে দেখুন হু আর দি টু সিলভর মেডালস উইনর অফ দি ইন্ডিয়ান টোকিও অলিম্পিক আপনার ইন্ডিয়ার যে রিসেন্টলি অলিম্পিক গেম চলছে তাহার দুইজন যে পাই রৌপ্য পদক তাঁর নাম লেখা কুহাই গোটে হল মীরাবাই চানু জন হলে মীরাবাই চানু আজ জন রবি কুমার দহিয়া তেমন অপশন বি হয়ে যাওয়ার সঠিক আনসর অপশন বি মীরাবাই চানু এন্ড রবি কুমার দহিয়া ঠিক আছে এবার দেখুন 69 নম্বর কোশ্চেন হোয়াট টাইপ অফ মিসাইল ইজ নিউ জেনেরেসন আকাশ মিসাইল আকাশ এনজি কেউ টাইপ্র মিসাইল এর সঠিক আনসর হয়ে যাচ্ছি সরফেস টু এয়ার মিসাইল তেমন এর সঠিক আনসর হয়ে যাব অপশন এ অপশন এ হল এর সঠিক আনসর সরফেস টু এয়ার মিসাইল এরপরে দেখুন 70 নম্বর কোশ্চেন দেখুন কেউ ভূতাণু বার্ড ফ্লুর কারক অটে এর সঠিক আনসর হয়ে গেল অপশন ডি H5N1 এই ভূতাণুটি বার্ড ফ্লুর কারণ অটে তাপরে দেখুন এ আসিগলে ফিজিক্সর কোশ্চেন এতে মধ্যে আপনার কেবল আনসর গুড়ি কেদেবি তাপরে যে ভিডিওটি আপনার নিয়ে আসবি সে জায়গায় মু আপনার ডেসক্রাইব করা সহ তার আনসর গুড়ি আপনার কেদেবি দেখুন 71 নম্বর কোশ্চেন রয়েছে হুইচ অফ দি ফলোইং কোয়ান্টিটি ডিটরমাইন্স দি লাউডনেস অফ দি সাউন্ড ওয়েভ তেমন এর সঠিক আনসর হয়ে গেল এমপ্লিচ্যুড অপশন সি এমপ্লিচ্যুড অটে তাপরে দেখুন 72 নম্বর কোশ্চেন রয়েছে ফাইন্ড আউট দি ফোকাল লেন্থ অফ লেন্স অফ পাওয়ার মাইনাস 2.5 ডি দিয়েছে বা ডায়োপ্টর তেমন এর সঠিক আনসর হয়ে গেল অপশন বি মাইনাস 0.4 মিটর এরপরে দেখুন 73 নম্বর কোশ্চেন এন ইলেকট্রিক বল্ব ইজ রেটেড 220 ভোল্ট এন্ড 200 ওয়াট হোয়াট ইজ দ্য অপারেশনস অন 110 ভোল্ট দি পাওয়ার কনজিউমড উইল বি এর সঠিক আনসর হয়ে অপশন বি 50 ওয়াট তাপরে দেখুন 74 কোশ্চেন দি স্প্লিটিং অফ হোয়াইট লাইট ইন টু কম্পোনেন্টস কলর নন এজ ড্যাশ তো এটার সঠিক আনসর হয়ে অপশন এ ডিসপারশন বলে কুহযায় ঠিক আছে তাপরে দেখুন 75 হুইচ ইজ নন এজ দি নিয়র সাইটেডনেস তো এর সঠিক আনসর হয়ে অপশন বি মায়োপিয়া বলে কুহযায় ঠিক আছে এরপরে দেখুন 76 দি ডিভাইস ইউজড ফর প্রডিউসিং ইলেকট্রিক করেন্ট ইজ কল ড্যাশ কেউ ডিভাইস ইলেকট্রিক করেন্ট কু প্রডিউস করতে এর সঠিক আনসর হয়ে জেনারেটর অপশন এ 77 দেখুন দি প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট এ পয়েন্ট ক্যান বি ডিটেক্টেড বাই এর সঠিক আনসর হয়ে গেল অপশন সি এ কম্পাস নিডিল তারপর দেখুন 78 হুইচ অফ দি ফলোইং ইজ নট এন এক্সাম্পল অফ বায়োমাস এনার্জি তো এর সঠিক আনসর হয়ে নিউক্লিয়ার এনার্জি এ বায়োমাস এনার্জি নুহে তারপর দেখুন 79 নম্বর কোশ্চেন আনসর এ ট্রেন স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট অ্যাটেন্ড এ ভেলোসিটি অফ 72 কিলোমিটার পার আওয়ার ইন 5 মিনিটস এজ্যুমিং দ্যাট দি অ্যাসেলারেশন ইজ ইউনিফর্ম ফাইন্ড আউট দি ডিস্টেন্স কভার্ড বাই দি ট্রেন ফর অ্যাটেনিং দি ভেলোসিটি এর সঠিক আনসর হয়ে গেল অপশন বি 3 কিলোমিটার তারপর দেখুন এন অবজেক্ট 80 নম্বর কোশ্চেন এন অবজেক্ট অফ মাস 100 কেজি ইজ অ্যাসেলারেটেড ইউনিফর্মলি ফ্রম এ ভেলোসিটি অফ 4 মিটার পার সেকেন্ড টু 8 মিটার পার সেকেন্ড ইন 8 সেকেন্ড ফাইন্ড আউট দি ম্যাগনিচ্যুড অফ দি ফোর্স এক্সর্টেড অন দি অবজেক্ট এর সঠিক আনসর হয়ে গেল অপশন সি 50 নিউটন তারপর দেখুন এ বাস্কেট এ ব্যাটসম্যান হিটস এ ক্রিকেট বল হুইচ দেন রোলস অন এ লেভেল গ্রাউন্ড আফটার কভরিং এ শর্ট ডিস্টান্স দি বল কমস টু রেস্ট দি বল সজ টু স্টপ বিকজ তেমন এ জায়গায় জন ব্যাটসম্যান কোণ করছে না বলটাকে হিট করছে তারপরে সে কিছু বাট যা পরে বলটি স্টপ হয়ে যাচ্ছে এর কারণ হচ্ছে ফ্রিকশন তো ফ্রিকশন হচ্ছে তার অপোজিটের গোটে বলটা তেমন অপশন সি দেয়ার ইজ এ ফোর্স অন দি বল অপোজিট টু দি মোশন এর সঠিক আনসর হয়ে অপশন সি তারপরে দেখুন 82 নম্বর কোশ্চেন মাস অফ এন অবজেক্ট ইজ 30 কেজি হোয়াট ইজ ইটস ওয়েট অন দি সরফেস অফ দি মুন তেমন এর সঠিক আনসর হয়ে অপশন ডি 49 নিউটন এরপরে দেখুন ফাইন্ড আউট দি এনার্জি ইন কিলো ওয়াট আওয়ার কনজ্যুমড ইন 10 আওয়ার্স বাই ফোর ডিভাইসেস অফ পাওয়ার 500 ওয়াট ইজ তেমন এর সঠিক আনসর হয়ে অপশন এ 20
यहाँ पर देखो 84 नंबर क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 0.5 केजी सॉस डाउन फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द चार्ज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। तेणु यार सठिक आंसर है ऑप्शन सी -4 जूल हो सठिक आंसर, ऑप्शन सी हो -4 जूल। तापर देखो 85 नंबर क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड 100 हर्ज हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट, यार सठिक आंसर हो 6000। फिजिक्स रे जिते भी क्वेश्चन पड़ी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन मुझे यार आंसर गुड़क आप रिसेंट सांगे सांगे वीडियो कर देखेदेवी जो किभ तार आंसर गुड़क बाहर एवं मुझे केवल तार आंसर गुड़क आपँ कहीदे। देखो तापर रही केमिस्ट्री क्वेश्चन गुड़क 86 नंबर, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, एटारे प्योर सब्सटेंस किए पचरा है यार आंसर हो गला आयरन। यहाँ पर देखो फॉर्मूला फॉर फेरिक सल्फेट, यार सठिक आंसर हम Fe2SO4 रो होल 3, तेणु यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी। तापर देखो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए जगह न्यूट्रॉन अलग अलग थाए। तापर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन बा Cl, यार सठिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पचार, यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी 287। यहाँ पर देखो 90 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, यार सठिक आंसर हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन सहित रिएक्शन कले हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बाहर थाए। मेटल जितेबले भी गोटे एसिड सहित रिएक्शन करे से देखो ये जगह आयरन रिएक्शन करुँच HCl गैस सहित, HCl सहित एसिड सहित रिएक्शन करती, तो वर्तमान क्लोरीन टाक Fe सहित एड हो हाइड्रोजन गैस टाक रिलीज होटा हूँ तार क्वेश्चन टा। तापर देखो 91 नंबर, व्हाट इज द pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, यार सठिक आंसर हो 7 रु कम आसो, 7 रु कम है जैसे एसिड्रे एसिड कही जापर। तापर देखो 92 नंबर क्वेश्चन, एथेर रही प्रोपेन विथ द मॉलिक्युलर फॉर्मूला C3H8, ए जगह केतोटी तार कोवेलेंट बॉन्ड रही है आपको कौन कह यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी 10 टी कोवेलेंट बॉन्ड रही है। ए जगह देखो प्रोपेन माने 3 टी कार्बन रही, समस्त भितर सिंगल बॉन्ड रही, यहाँ अदर पार्ट गुड़ाक हाइड्रोजन गैस लगे, तो ये जगह आप देखी दिंतु कतोटी कोवेलेंट बॉन्ड रही, ए जगह समस्त सब जगह हाइड्रोजन रही। देखो गोटे दुईटी तीन टी चार पांच टी छटी सात टी आठ टी एटी नौटी एटी दस टी, दस टी कोवेलेंट बॉन्ड रही, तेणु यार सठिक आंसर हो 92 रो ऑप्शन डी हो कोवेलेंट बॉन्ड 10 रही। तापर देखो 93 नंबर क्वेश्चन, एटी रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, यार सठिक आंसर हो सोडियम, सोडियम रो वैलेंस सेल रे इलेक्ट्रॉन रोचे गोटे। यहाँ पर देखो 94 नंबर क्वेश्चन, द ओनली प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर, कौन कौन बाहर थाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए जगह सॉल्ट और वाटर बाहर थे, तेणु ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन, देखो ऑन एडिंग वाटर टू सोडियम दिस सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज, सेटा होची तार आंसर हो अल्कालाइन होता है, यहाँ बेस हो अल्कालाइन बोलते कहा जाए ठीक अच्छे। यहाँ पर देखो 96 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस ये किए नुहे, यार सठिक आंसर हो कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड हो रहा सठिक आंसर। तापर देखो 97 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ टू मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दुईटी वाटर मॉलिक्यूल रो मास केते, यार सठिक आंसर हो गला ऑप्शन सी 36 ग्राम। 98 नंबर देखो, व्हाट इज द चार्ज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड, चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड, माने गोटे सॉलिडटा गैस रे परिणत हो पुणी गैसटा पुणी सॉलिड को पलि आसो, तो यही प्रोसेसटा कौन कह जाए ऑप्शन डी हो सब्लिमेशन। तापर देखो 99 नंबर क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश, जदि सेम मॉलिक्यूल लिखाई तेणु यार सठिक आंसर हो कहेसी, यदि अपोजिट मॉलिक्यूल बा अलग मॉलिक्यूल थाए डिफरेंट मॉलिक्यूल थाए तेणु से जगह आधेसिव आसो। यहाँ पर देखो 100 नंबर क्वेश्चन, मेटल व्हिच एक्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यहाँ आम समस्त जाना यार सठिक आंसर हो मर्क्यूरी, यह रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था थाए। यहाँ पर देखो बायोलोजी किसी प्रश्न 101 रही, नर्भस टीस्यू इज नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नर्भस टीस्यू गुड़ाक कौ जगह न था, तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी टेंडन। यहाँ पर देखो फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, फैट कौ जगह ह्यूमन बॉडी रे स्टोर होता है, यार सठिक आंसर हो एडिपोज टीस्यू, मनुष्य मानकर एडिपोज टीस्यू रे
फैट स्टोरेज थाए यापर देखु फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स अकर ड्यू टू ह्विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेक्सिबिलिटी के प्रदान करते यार सठिक आंसर हो कोलेनकाइमा टिश्यू यापर देखु 104 नंबर क्वेश्चन द लिविंग सेल्स प्रेजेंट इन ए कंपैक्ट बोन आर कॉल्ड डैश यार सठिक आंसर हो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स यह हूँ एक लिविंग सेल जहाँ कि बोन रे प्रेजेंट थाए क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ क्रोमोजोम क्या कोई तैयार होता है क्रोमोजोम रे मेनली डीएनए थाए आ प्रोटीन थाए तेणु यार सठिक आंसर ऑप्शन डी जहाँ को हिस्टोन प्रोटीन बोले कही था देखो 106 नंबर क्वेश्चन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल एनिमल सेल मानक न था और प्लांट सेल मानक था तेणु यार सठिक आंसर सेल वाल आउ प्लास्टिड तापर देखो 107 लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय लिपिड मॉलिक्यूल कहा द्वारा सिंथेसाइज होता है तैयारी होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ ऑप्शन ए हो तार सठिक आंसर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को सिंथेसिस करता है तापर देखो इफ राइबोसोम ऑफ दि सेल आर डिस्ट्रॉय जदि सेल मधर थिबा राइबोसोम को हम डिस्ट्रॉय कर दबा ताहले कोन हबो प्रोटीन सिंथेसिस आउ होई परिबो नाय यार सठिक आंसर हो जइबो ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म कहीं ना राइबोसोम को कौन कह जाए ना प्रोटीन फैक्ट्री बोले कह जाए जदि से रहिबोनी प्रोटीन आउ तैयार हो परिबो नाय तापर देखो 109 नंबर क्वेश्चन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज सोमाटिक सेल डिविजन क्या हमें सोमाटिक सेल डिविजन बोली कही था यार सठिक आंसर ऑप्शन ए माइटोसिस तापर देखो व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस ऑक्टोपस को हमें क्या को फाइलम भितर रखिपर यार सठिक आंसर मोलुस्का ऑक्टोपस मोलुस्का फाइलम भितर थाए तापर देखो ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्ड इनटू ए डैश इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट ओव्यूलटा कौन होता है ना ओव्यूलटा को डेवलप हुए सीड आकर ओवरीटा ओवरी जेटा में कही थाऊ ओवरी डेवलप हो जाए से फ्रूट आकर तेणु यार सठिक आंसर ऑप्शन ए सीड तापर देखो 112 वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौथे होता है स्टेम रूट आउ लिव तेणु ऑप्शन बी हो यार सठिक आंसर तापर देखो 113 नंबर क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज ए ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट्स ग्रोथ किए चेक कर दिए बंद किए करे तेणु यार सठिक आंसर ऑप्शन सी एस एब्सिसिक एसिड यहाँ पर देखो 114 नंबर क्वेश्चन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ शूट एंड रूट रेस्पेक्टिवली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्राविटी ग्राविटी द्वारा जो मूवमेंट होता है सेटा है जियोट्रोपिज्म गोटे पॉजिटिव आ गोटे नेगेटिव होता है तापर देखो 115 इन एन फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय तो प्रथमे जे थाए सेटा हला प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर माने सामने खाद्य तैयारी करती जहाँ को आम प्लांट बोली कही थाऊ खाती किए एम रे प्रथम लेवल सेकेंड लेवल रे हर्बीवर्स जे माने कि प्लांट को खाइबे से रे सेकेंड रे थर्ड रे किए रे ना एम को जी खाइबे हर्बीवर्स एनिमल मानक जी खाइले से कार्निवर्स तेणु यार सठिक आंसर ऑप्शन ए कार्निवर्स एनिमल्स कार्निवर एनिमल्स देखो तापर 116 नंबर क्वेश्चन टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है यार टोटल नंबर ऑफ एटीपी 38 प्रोड्यूस होता है यहाँ पर डिप्लेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इन द स्ट्राटोस्फीयर इज ड्यू टू ओजोन कहा द्वारा डिप्लेशन होता है मेनली हालोजन कंपाउंड मानक द्वारा डिप्लेट होता है फ्लोरीन ये किसी कंपाउंड गुड़ा रोच जहाँकि डिप्लेट करतापर देखो 118 नंबर क्वेश्चन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम आर व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एम होती माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑप्शन बी हो सठिक आंसर एम प्लांट बॉडी पे अधिक परिमाण दरकार होते हैं तेनाली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोली कहा जाए तापर देखो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच बा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यार सठिक आंसर ऑप्शन बी डायबिटिस इनसिपिडस सठिक आंसर है डायबिटिस इनसिपिडस तापर देखो 120 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रैवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम देखो यार सठिक आंसर होगा ऑप्शन सी डेंड्राइट तापर सेल बॉडी तापर एक्सॉन तापर एक्सॉन एंड यार सठिक आंसर होगा ऑप्शन सी तापर देखो 121 नंबर क्वेश्चन एथेर रही इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इन ए बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय जोटा कि आम इच्छा न था जो एक्शन गुड़ाक आम चाहिए कंट्रोल कर पारना तो से भाया एक्टिविटी गुड़ाक किए कंट्रोल करते तो सेटाक मेडुला इन हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन रे मेडुलाटा थाए फोर ब्रेन रे न थाए किंबा मिड ब्रेन रे न थाए से थाए हाइंड ब्रेन रे मेडुलाटा तेणु ऑप्शन सी हो यार सठिक आंसर तापर देखो 122 इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टू कार्बोहाइड्रेट
तो एटमॉस्फेयर रे थिबा कार्बन डाइऑक्साइड टा रिड्यूस होइथे ऑप्शन बी हिजबो एहर सटीक आंसर रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तापर देखंतु 123 ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज मनुष्य मानकर जे न्यूट्रिशन टा तनो एहा होलोजिक हेबो काहेकि ना मनुष्य माने होलोजिक न्यूट्रिशन करि थांती। तापर देखंतु द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड के एसिड रो एब्सेंस रे जो एंजाइमटा रही पेप्सिन सी इनएक्टिव हो जाए तेनालीर सठिक आंसर हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जे एसिडटा रोचे सी स्टोमाक सिक्रेट होता है जहाँकि यही एंजाइम को एक्टिवेट करने हेल्प करते हैं। देखो 125 राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन कौन रोचे राइट पार्ट्रे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट पार्ट्रे ऑक्सीजनेटेड ब्लड थाए राइट पार्ट्रे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो थे कार्बन डाइऑक्साइड मिसिकर आए। देखो हिमोग्लोबिन सॉज मैक्सिमम एफिनिटी विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यार सठिक आंसर हो कार्बन मोनोक्साइड प्रति यार एफिनिटी अधिक थाए हिमोग्लोबिन तेणु ऑप्शन ए हो सठिक आंसर। तापर देखो 127 द नंबर ऑफ ऑटोजोम इन ह्यूमन बॉडी डैश कतोटी थाए तेणु यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए 44 थाए टोटल क्रोमोजोम हो 46 से भितर ऑटोजोम संख्या होची 44 आउ दुईट क्रोमोजोम होची क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम बोली कहा जाए जोड़ा कि मेल आउ फीमेल लो अलग अलग थाए तेणु यार सठिक आंसर हो 44 क्रोमोजोम। तापर देखंतु फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन रे फिल्ट्रेशन का काम किए करते ग्लोमेरुलस यार सठिक आंसर हो गला ग्लोमेरुलस। तापर देखंतु 129 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल प्लेज एन रोल इन डिफेन्स मेकानिजम डिफेन्स रे आमर इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करिया पे जो प्रकार सेल थाए ता होची WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल बोली तो कहा जाए तेणु यार सठिक आंसर ऑप्शन ए WBC। तापर देखंतु लास्ट क्वेश्चन बोन मैट्रिक्स इज रिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आम जो हाड़ थाए कौर या अधिक से जगह कौन थाए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस यही दुईट अधिक परिमाण थाए तेणु ऑप्शन बी हो सठिक आंसर। आपण मानक जदि भिडियोटी भल लगी थे तेबे भिडियोटी को लाइक करिवे शेयर करिवे सांग मानक सहित एवं एही भली नुआ नुआ इनफॉर्मेटिव भिडियोज गुडी को आम चैनल देखिया पई हेले चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद पुनी देखाबो आउ एक नुआ भिडियो रे।